उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं आगरा मंडल के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि अब तहसील स्तर के अधिकारी रात में तहसील क्षेत्र में ही प्रवास करेंगे। जी हां, आपको बता दें, मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिला स्तर के अधिकारी अब तहसील और ब्लॉक में जाकर निरीक्षण और जाँच कर जरूरी कदम उठाएंगे। नगर निगम क्षेत्र एवं गाँवों में पीने के पानी की समस्या का निराकरण पाइपलाइन से जलापूर्ति कर कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब वह समय चला गया जबकि बुंदेलखंड में पानी की समस्या के बारे में पूरे देश में चर्चा होती थी। अब बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र पानी की समस्या का निराकरण सुनिश्चित किया गया है तथा मथुरा वृंदावन के निवासियों को तो गंगा जल पीने को मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री की हर नल से जल के संकल्प को कार्य में परिणत किया जा रहा है। कानून व्यवस्था के प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी के शासनकाल में कानून व्यवस्था में न केवल सुधार हुआ है बल्कि अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई इस प्रकार करें कि जनता अपने आप को सुरक्षित समझे और बदमाश थर थर कांपे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से किसान हितकारी योजनाओं को लाभ किसानों को मिल रहा है, वही इस बात का सबूत है कि डबल इंजन की सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण में कोई कोताही नहीं बरत रही है। उन्होंने बताया कि आज अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक में उन्होंने न केवल यहां की प्रमुख समस्याओं की जानकारी ली बल्कि अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश भी दिए और यह भी कहा कि एक पखवाड़े के बाद वह देखेंगे कि उन पर अमल किस प्रकार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।